मेरी सी परनीत आ जाना तो सही ऐसी लगी है सच्ची तुम हो सितारों के परे। कहाँ जा रहे हो, छूट जाओगे भैया? अरे छूट जाओगे। Currently we are going to Delhi and मेरे साथ ये डॉग आ रहा फिलहाल, जैसे कि तुम देख सकते हो। डूड हमेशा है, मेरे को एक डॉग मिल ही जाता है चाहे कुछ भी करो, बट ये डॉग अभी बहुत पीछे है। नाउ अभी सुबह के 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और हम ट्रेन से जा रहे थे जैसे कि आप देख ही सकते हो। एंड रियली गाइस, इतने सुबह सुबह उठ करके मतलब फ्रेश होकर के जाना थकाने वाला काम है, बट अभी भी हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और अभी तो फिलहाल ट्रेन से जा रहे हैं, तो अपना बुकिंग है ट्रेन में, AC 2 टायर पता नहीं कौन सा है, बट AC में था, तो निकलते हैं यहाँ से और आराम से सोते हुए निकलते हैं। बूम ब्रो, हम लोग जा रहे थे दिल्ली के लिए और पुणे टू दिल्ली जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से ट्रेन भी निकलने वाली है, तो आई थिंक कि गाइस बहुत ही जल्दी ट्रेन निकलने वाली है। और हमारे साथ कुछ भैया लोग जुड़ रखे हैं, भैया का नाम लक्की है और दूसरे भैया का नाम आमिर है। और रियली गाइस ट्रेन चल चुकी है और मेरे को जाना है, और चलो फिर हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। और भैया हमारे साथ तब तक है, अभी दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली में भाई आपको बाय बाय बोलेंगे। बाय 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 बाय, अभी नहीं, दिल्ली में जाके बोलेगा। ओके देन, सो गाइस फाइनली वी अराइव टू हजरत निजामुद्दीन, और भाई लोग अपने जा रहे हैं अभी, तो हेलो इनको नहीं है एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, और इनको ये 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 यहीं पर ड्रॉप हो रहे थे, तो फिलहाल मैं अभी सो करके उठा, तो रियली गाइस अभी कुछ ज़्यादा ही डिजी डिजी फील हो रहा, तो गाइस बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। Yeah. और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बाय गाइस। ओके ये अच्छा था, फर्स्ट टाइम। ओके ब्रो बाय बाय। ओके गुड बाय। ओके ब्रो मिलते हैं। सो गाइस हम दिल्ली में मिलेंगे अब। सो गाइस आफ्टर 10 मिनट्स के बाद हम लोग ने सोचा कि चलो यहीं पर उतरते हैं, और अब यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली के लिए, तो यहाँ से अब टैक्सी करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं। तो अभी तो फिलहाल हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे है, आफ्टर दैट उसके बाद हम निकलेंगे टैक्सी करके। तो सो गाइस अभी हम लोग फिलहाल अकेले हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि चारों ओर कोई भी नहीं है, पूरा खाली है, सन्नाटा है एकदम। और अभी कितने बज रहे, सुबह के 4 बज रहे होंगे जैसा कि तुम देख सकते हो, सुबह के अभी फ़िलहाल 4 बज रहे हैं, और ट्रेन ने ले आ करके हम लोगों को यहाँ पर छोड़ा, तो अब यहाँ से हम टैक्सी पकड़ के निकलते हैं। और हमारी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, और मैं क्या बताऊँ आपको अपनी जर्नी के बारे में, इट्स रियली फील्स लाइक अमेजिंग गाइस, बिकॉज अपने हमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और ख़त्म कहाँ पर कर रहे हैं। हमने जर्नी अकेले स्टार्ट की थी, और बीच में कुछ हमें हमारे दोस्त मिल गए, और वो हमारे फैम प्रो आर्मी का
पार्ट भी बन चुके हैं अब, तो मैं क्या बताऊँ, मतलब उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि ब्रो ये क्या कर रहा तू और क्या कर क्या रहा तू, मतलब कि, तो मैंने उनको बोला कि फ़िलहाल तो मैं मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो इट्स रियली फील्स अमेजिंग ब्रो। और ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि वो लोग सपोर्ट कर रहे थे और सपोर्टिव थे, और जो उनके साथ मस्ती आई ना डूड, मतलब भाई वो जो दूसरा वाला बंदा था ना वो भयंकर ही था भाई। मतलब एक बंदे को क्या कहता भाई कि नेपाली छुट्टियाँ होते हैं, तो उसने सुना नहीं, तो उस बंदे ने बोला कि इट्स लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग। तो उस बंदे ने दोबारा मतलब उसको ऐसा उसने घुमाया कि भाई मैं क्या हुआ था तुम लोगों को उसके बारे में। तो यही था गाइस कि वो बंदा भयंकर था फिलहाल तो, और वो वीडियो में तुमने देखा ही होगा, आई नो कि तुमने देखा होगा, अगर पूरा देखा होगा तो यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरा देखा ही होगा तुम लोगों ने। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी तक का सफ़र थोड़ा थकाने वाला था, बट सीन क्या हुआ कि जो ट्रेन था हमारा, हमने ट्रेन सुबह मॉर्निंग में पकड़ा था, तो मॉर्निंग से लेकर के मैं दोपहर तक सो रहा था, तो वही हुआ कि यार मतलब कि अच्छे से शूट नहीं कर पाए, बट हुआ कि दो तीन क्लिप लिया, शॉट लिया, और अगर थोड़ा और अच्छा किया होता मैंने तो क्या पता और अच्छा इसको वीडियो को बना पाता। तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा, और अभी तो हम लोग फ़िलहाल इधर रेस्ट रूम में थोड़ा अपने आप को फ्रेश किया, उसके बाद फ्रेश करने के बाद यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन से निकलेंगे, अभी टैक्सी लेते हैं या फिर देखते हैं जो भी गाड़ी मिलती है अवेलेबल होती है इस वक्त। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और जो ट्रेन थी उसने 3 बजे छोड़ दिया था गाइस रियली, और उसका टाइमिंग जो था वो था गाइस कुछ अभी अभी का टाइमिंग था 5 बजे का छोड़ने का था, बट उसने बहुत अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया। तो मैं रियली कहूँगा कि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी अपने टाइम के हिसाब से। तो गाइस मेरा ट्राईपॉड भी टूट चुका है, आई होप कि जो 2-3 शॉट्स आए थे वो अच्छी आई होगी, और नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना कि बिकॉज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था ट्रैवलिंग ब्लॉग, और इसके बाद मैं थोड़ा नेक्स्ट ट्राई करूँगा बहुत अच्छा बनाने का। तो अब यहाँ से चलते हैं, हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद फिर होटल में रुकते हैं बिकॉज मैं आया था यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, तो मिलते हैं फिर गाड़ी के पास। गाइस अभी हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं और यहाँ से फिर हम लोग निकलते हैं फिर हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से, आफ्टर दैट उसके बाद फिर वहीं पर चल करके मिलते हैं। फिलहाल जैसे कि तुम देखोगे गाड़ी सामान लोड कर दिया है और हम भी यहाँ से अब निकल ही रहे हैं, एक चाय की प्याली चस्की पी करके निकलते हैं यहाँ से, फिर चलो फिर। साथ खड़े हैं कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास सांस में रात साथ बात करे क्यों ना। सो भैया बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि तुम देख सकते हो ये पूरा रूम खाली है, तो एक्को एक्को सुनाई दे रहा होगा पूरा एकदम पीछे, नॉइज मेरी गूंज रही होगी। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि गाइस हम लोगों ने उसके बाद होटल बुक किया, फिर रेंट पे लिया, मतलब उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद। और मैं होप करता हूँ कि आपने इंजॉय वीडियो इंजॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस, बिकॉज उस ब्लॉग के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, तो मैं आकर के मैंने अपने आप को गाइस इतना फ्रेश किया, उसके बाद मैं आकर के डायरेक्ट सो गया। तो मैं यही बोलूँगा गाइस कि बहुत ही ज़्यादा थक गया था मैं, तो मैं क्या कहता गाइस, तो मेरे को एंडिंग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा कि चलो अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। सो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, सो शो मी योर लव। और इसी के साथ हम जाते जाते क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि जाते जाते ये जो ग्रे बटन है लाइक है इसको ब्लू कीजिए, और जो ये सब्सक्राइब बटन है रेड इसको ग्रे कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स योर वॉइस, इट्स योर वे वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो।